दोस्तों मॉस्किटो बैट की लो बैटरी प्रॉब्लम जरूर आप फेस किए होंगे। अगर आप मॉस्किटो बैट कभी यूज किए हैं तो आप निश्चित तौर से, मुझे पता है कि इसके बैकअप से आप परेशान होंगे। तो मैं आज एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिससे इसके बैकअप को 10 गुना बूस्ट किया जा सकता है। स्पार्किंग भी बढ़ जाएगी जिससे आप और बेहतर तरीके से मॉस्किटो को किल कर पाएंगे और बैकअप तो 10 गुना डेफिनेटली बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं अभी इसको खोल कर दिखाता हूँ इसमें कौन सी बैटरी डाली होती है। इसमें 1 एम्पियर से भी कम की बैटरी डाली, 4 वोल्ट और 1 एम्पियर से भी कम की बैटरी डाली होती है इसमें। आज मैं इसको निकालूंगा, देखिए। अब आप इसको देखने के बाद कह रहे होंगे कि भाई इसी वजह से ये इतनी कम बैकअप देती है, ठीक है। आज मैं इस सबको निकाल दूंगा और इसमें से एसी से चार्जिंग का झमेला मैं हटा दूंगा। आज मैं इसको मोबाइल चार्जर से चार्ज करने का तरीका आपको बताऊंगा। उसके लिए ज्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए आपको, 10 रुपए के अंदर ये सारे हो जाएंगे और एक पुरानी कोई बैटरी जो इसमें आ सके। थोड़ी बहुत बड़ा होगा तो उसको एडजस्ट किया जाएगा, पर इसमें आ सके, बहुत बड़ा नहीं। एक डायोड इसलिए लगा रहा हूं कि इंडिकेटर के लिए काम आएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं था। डायोड और स्टैंड दोनों इसी के लिए लगा रहा हूं, ठीक है। तो 1 रुपए में एलईडी, 1 रुपए में, 1 रुपए में, 3 रुपए, 4-5 रुपए में ये, 10 रुपए के अंदर ये हो जाएगा। और कोई पुरानी बैटरी आप ले लें और इसमें तारे से जोड़ लें, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको खोल के हटा दीजिए। आप इसको रख सकते हैं, कनेक्शन हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इसको खोल के हटा ही देता हूं। इसको हटा ले आप पूरा। अब आप इसको मोबाइल चार्जर से 5 वोल्ट का जो आपको मोबाइल चार्जर होता है उससे आप आसानी से इसको चार्ज कर पाएंगे। हो गया, अब इसको खोलिए। यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, मदद से आप इसको, इसमें जो सर्किट दिया रहता है, इसमें जो सर्किट दिया रहता है चार्जिंग के लिए, वही कैपेसिटर लगाकर इसी को डीसी बदला जाता है। ये पोर्शन, ये आप इसको चाहे तो काट के हटा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ क्या करिए, कनेक्शन काट दीजिए बस, ठीक है। कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर दीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक बोर्ड काट देना है तो आप काट तो सकते हैं, लेकिन बहुत दोस्तों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं कन्फ्यूजन है आप पढ़ने का, ठीक है। ये देखिए पीला वाला माइनस बैटरी का है, ये प्लस बैटरी का, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी तार दे रखा है तो मैं इस तार को हटा देता हूँ। निश्चित तौर पे 10 गुना बढ़ जाएगा। ये पुराना बैटरी है नोकिया फोन का, आप परिचित होंगे इस बैटरी से। ये वाला प्लस होता है और ये वाला माइनस, ठीक है। यहाँ पे बताया भी है, तो मैं ये हो गया, आराम से ये आ जाएगा यहाँ तक। अब सबसे पहले इसको मैं अभी रखता हूँ। बैटरी देखिए गौर से, आपको एडजस्ट करने के लिए आप खुद का दिमाग लगाना है कि आपका जो भी बॉडी है उसमें आप बैटरी को कैसे एडजस्ट करें। बस बहुत ज्यादा बैटरी बढ़ा नहीं है, मेरा बैटरी इसमें आसानी से आ जाएगा मुझे पता है, पर मुझे ये तोड़ना पड़ेगा। तो 2 उपाय है, एक कटर से आप काट दीजिए, सिर्फ एज काट दीजिए, ठीक है, यहाँ और यहाँ काट दीजिए एज। उसके बाद कहीं एक जगह प्लास लगाइए, प्लायर ऐसे घुमा दीजिए, सारा टूट के निकल जाएगा। फिर भी आप अपने हिसाब से देखें, इसमें खुद का माइंड यूज करें कि जैसे आपको सहूलियत हो। ऐसे रोटेट कर दीजिए, खत्म। अब मैं एक बार फिर से इसको बैठा के देखता हूँ कि क्या ये अच्छे से बंद हो पाता है।
उसके बाद मैं देखूंगा कि कहाँ पे ये रोक रहा है, जहाँ पे रोक रहा होगा वहाँ पर भी एडजस्ट करना होगा, ठीक है। मैं अभी चेक कर रहा था बैठ जाएगा, लगभग बैठ जाएगा, देखिए इसको कसने पर ये प्रॉपर आ जाएगा, इधर भी इतना बैठ दोनों सटा हुआ है लगभग, और इधर भी सटा हुआ है, ठीक है, ये एडजस्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत तो आपको दिक्कत होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप और छोटा बैटरी लगाएगा तो और आसानी से हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, एक तो ये हुआ, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ भी दे सकते हैं आप, पर यहाँ पे कहीं भी दे सकते हैं, मैं यहीं पे दे देता हूँ। सब कुछ देखने के बाद मुझे सबसे परफेक्ट जगह लगा यहाँ पे अंदर, मतलब इसके पीछे, यहाँ पे मैं लगाता हूँ, तो ये थोड़ा सा बाहर यहाँ तक आएगा, अच्छा खासा स्पेस है, और इतना ही तार से आपका काम चल जाएगा और ज़्यादा तार यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके किट को मैं फिर से कस लेता हूँ अच्छे से, अच्छा से कसा गया। आपको पता है ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा देखिए इसको अलग करता हूँ, यहाँ पे मैं एक होल करूंगा नीचे तरफ, यहाँ पे किसी भी चीज से कर सकते हैं, मैं यहाँ आयरन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चाहिए ताकि ये आसानी से जा सके। जब ये गर्म रहे कोशिश करें आप तभी लगाने का, ताकि उस वक्त अगर ये लग जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, मतलब किसी ग्लू से साटना वाटना नहीं होगा, ठीक है। अपने हिसाब से इसको सीधा घुमा दें, और एक बार आप इसको टेस्ट जरूर कर लें शुरू में, यहाँ 5 वोल्ट प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं, तो कनेक्शन करने के बाद अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं मिलेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर से सारा कुछ करना पड़ेगा, और मेरे साथ भी कुछ वही प्रॉब्लम लग रहा है, इसको 5 वोल्ट यहाँ नहीं मिला, ये थोड़े से खराब आते हैं, तो मैं इसको निकाल दूंगा। अब मैं इसको पहले बाहर ही चेक करके आपको दिखा देता हूँ, हो गया, मैंने इसको कनेक्ट किया, डीसी 5 वोल्ट, यहाँ पे आप जांच कर लें, माइनस प्लस यस, ये ठीक है, 5 वोल्ट मिल रहा है, मैं इसको लगाऊंगा, इसको निकाल दूंगा। अब देखिए, ठीक है, एक होल वहां पे आपको और करना है, वो किस लिए, एलईडी के लिए, जो आपको एलईडी इंडिकेटर के रूप में लगाना है उसके लिए। मैं इस तरफ से कर देता हूं, उसके बाद जहां आपको जगह मिले कोई दिक्कत नहीं है, अब अपने सुविधा के हिसाब से जहां लगा दीजिए। ठीक है, एलईडी भी लग गया और ये भी हुआ। अब देखिए कनेक्शन कैसे किया जाए, ये सब एलईडी का फिलहाल जरूरत नहीं है, मैं इस पर बताता लेकिन बहुत दोस्त कन्फ्यूज हो जाते हैं, वरना मैं इसी सर्किट से काम चला देता, इसी से आपका काम हो जाता, ठीक है, इसको मैं हटा दिया, साइड कर दिया। देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो इसमें देखिए इसका माइनस लिख कौन है, सीधा सीधे आपको दिख रहा है ये छोटा वाला माइनस है, ठीक है, तो माइनस वाला मैं इस पे दे दिया, माइनस वाले, और इसमें ये माइनस वाला है, ठीक है, दोनों के माइनस को आप एक में जोड़िए,
गौर से देखिएगा, आपको जरूर समझ आएगा। मैं बिल्कुल आराम आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बैटरी का माइनस सप्लाई देने के लिए ये वाला वायर, दोनों ब्लू हो जाएगा इसके लिए मैं ग्रीन वायर लेता हूँ। चलिए ब्लैक, थोड़ा सा ब्लैक वायर मैंने माइनस सप्लाई के लिए ले लिया। तो आप पहले ट्विस्ट करें उसके बाद स्वेल्डिंग, ताकि मजबूती और ज्यादा हो। ठीक है, उसके बाद ये बैटरी माइनस में दे दें। बैटरी प्लस, अब एक डायोड बचा और एक रेजिस्टेंस बचा। रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1K और ये डायोड 4007 इसका वैल्यू है। देखिए ये डायोड कुछ ऐसे लगाना, ये वाला हिस्सा बैटरी के प्लस टर्मिनल में जाएगा। ठीक है, बैटरी के प्लस टर्मिनल में इसको भी यहीं पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। अभी इसको एकदम लास्ट पे करता हूँ। डायोड गर्म होता है तो आप ध्यान रखें ट्विजर का प्रयोग करें, और ट्विजर ऐसे बना लें। आप रेगुलर मेरा वीडियो देखते होंगे तो मैं बता चुका हूं इस तरह ट्विजर कैसे बनाए। कट कर लें उसको। ठीक है, अब देखिए अब बच गया आपका, अब देख रहे होंगे यहाँ पे दो लीक बच गया। अब माइनस वाला का काम खत्म हो चुका है, थोड़ा सा नीचे आप दबा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये और ये बचा। ठीक है, तो ये तो सप्लाई अंदर जाएगा, इसको आप यहीं पे दे दें। ठीक, देखिए पहले जो बैटरी से आप छुड़ाए थे उसी में तो दे दिया गया, ये प्लस बैटरी से छुड़ाए थे आप। ठीक है, ये देखिए ब्लू वाला वायर प्लस से छुड़ाए थे, मैंने भी डायरेक्ट लाके बैटरी के प्लस में दे दिया। ठीक है, और ये येल्लो वायर माइनस से छुड़ाए थे, आप देख लीजिए येल्लो वायर और ब्लैक वायर एक ही में जुड़ा हुआ है, वहीं लाके मैं माइनस दे दिया। मैं अभी जो कर रहा हूँ बस चार्जिंग के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल, मैं दबा देता हूँ पूरा अच्छी तरीके से। अब देखिए ये जो है प्लस वाला टर्म और यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में इसको आप जो यहाँ से निकल रहा है कनेक्टर से, चार्जिंग कनेक्टर से, चार्जिंग सॉकेट से, उसको आप यहाँ पे दे दीजिए डायोड के इस सिरे पे। ठीक है, कहीं भी आप उसको अच्छे से ट्विस्ट करके दे सकते हैं। ठीक है, इसको ताकि इस तरह रखा जा सके, ऐसे रखिए या ऐसे रखिए अपने सुविधा के हिसाब से रखिए, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। ध्यान रहे कि आपका दोनों टर्मिनल जो है शॉर्ट ना हो, शॉर्ट होने का डर था इसलिए मैं उसको इधर मोड़ देता हूँ। आप स्लीव लगा लीजिए, सबसे बेहतर होगा स्लीव लगा लीजिए, टेप लगा लीजिए, अदरवाइज इसको आप यहाँ से मोड़ दीजिए, वरना शॉर्ट हो सकता है, शॉर्ट पे हो जाएगा तो फिर काम नहीं करेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ, रुक ज्यादा नहीं रहा हूँ, नहीं तो दोस्त बोलने लगे थे कि भाई फेक वीडियो है, आपने इतने बज के इतने मिनट में रोक दिया, तो इसीलिए मैं ज्यादा रोक नहीं रहा हूँ। अब देखिए ये दो लेग आपको ऊपर दिख रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच में आपको ये रेजिस्टेंस दे देना है ऐसे, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा होगा उसको कट करके आप हटा सकते हैं। मैंने यहाँ लपेट दिया इसको, यहाँ ट्विस्ट कर दिया, इसको सप्लाई मिली है कहीं से तो ये चल रहा है, ये वाला टर्मिनल इधर आगे प्लस में सट गया है, चल से वो ग्लो कर रहा है, सोल्डिंग हो गया और यहाँ भी सोल्डिंग हो गया, अच्छे से सोल्डिंग करें। ये बात आप बार बार पूछते हैं ये क्या है, ये फ्लक्स होता है, इसको पेस्ट भी कहा जाता है, ये क्लीन कर देता है ऊपरी लेयर थोड़ा सा ताकि रांगा अच्छे से चिपक सके। मैं पहले एक बार चेक करूंगा कि ये चार्ज हो रहा है, जैसे लगाते हैं ये इंडिकेट करने लगेगा, देखिए
दिख रहा है आपको, देखिए आप आराम से यूज करिए। 10 गुना बैटरी बैकअप एकदम तय है। बैटरी निकाली हुई होगी तो, अगर आपके पास थोड़ी अच्छी बैटरी है तब तो आप पूछिए मत, और बेहतर बैकअप मिलेगा आपको। मैं इसको अच्छे से एक बार बैठाता हूँ, उसके बाद मैं आपको चेक करता हूँ। अब इलेक्ट्रिक का सप्लाई खत्म, 5 वोल्ट से आप चार्ज करिए, यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक ठीक है, वही बैटरी है, मैंने देख लीजिए आप, वरना आप कहेंगे कि बैटरी नहीं, वही बैटरी है और बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ गई। ठीक है, इसको दबाए रखिए यहाँ पे। पहले एक स्क्रू आप लगा लीजिए कहीं भी, थोड़ा सा हार्ड है वो ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा छोटा बैटरी लेते तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें आता, लेकिन अगर थोड़ा सा नहीं भी बैठेगा इधर तरफ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तो 5 वोल्ट पे काम हो रहा है चार्जिंग का। ठीक है, 220 वोल्ट की सप्लाई का जरूरत नहीं है ज्यादा। सबसे बड़ा बात ये आपका मल्टीपर्पज एक चार्जर से काफी काम हो जाएगा। ये चार्ज कर लीजिए, मोबाइल चार्ज कर लीजिए अलग से, इसको दिक्कत नहीं किसी तरह का केबल या फिर और कोई झंझट नहीं है। अब इतना ही भी मैं आपको चेक करा, देखिए जल रहा है, स्पार्क में देखिए ठीक। अभी बैटरी लो है, अगर इसको चार्ज कर देंगे तो और स्पार्किंग ज्यादा हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।